दोस्तों, आज हम मुक्तसर जिले के गांव उडांग के दिव्यांग सुखबीर सिंह की बात करेंगे। सुखबीर सिंह ने अपने दोनों हाथ बचपन में ही खो दिए थे। इसके बावजूद बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी सुखबीर सिंह अपने कामों से दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। दोस्तों, दिव्यांग सुखबीर का हौसला बढ़ाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में भी दो शब्द जरूर लिखें। चलो अब शुरू करते हैं। मुक्तसर जिले के गांव उडांग के गरीब परिवार में सुखबीर सिंह का जन्म हुआ था। बचपन में हाई वोल्टेज का करंट लगने से सुखबीर की दोनों बाहें चली गई थी। उस समय सुखबीर सिंह पांचवी कक्षा में पढ़ता था, लेकिन सुखबीर सिंह ने अपना हौसला नहीं खोया। आज वह पंजाबी में MA कर रहा है। साल 2005 में जब 11000 वोल्टेज का करंट लगने नाल मेरी दोनों बाहें कटियां गईं सी। उस समय मैं पंजवीं क्लास में पढ़ता सी। उस तो बाद मैं अपने पैर नाल लिखना शुरू किया। हुण मैं अपनी BA की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है ते MA कर रहा हाँ। सुखबीर सिंह अपने हाथों के काम पैरों और मुंह से करता है। सुखबीर सिंह पढ़ाई के साथ खेलों में भी सक्रिय रहता है। 200 मीटर की रेस में राज्य स्तर की पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीत चुका है। अब सुखबीर सिंह 2020 में इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। मैं पैरा ओलंपिक विच एक एथलीट हाँ। साल 2018 विच हुई स्टेट पद्धर दी गेमों विचों मैं सिल्वर मैडल प्राप्त कर चुका हाँ। नैशनल गेम्स विच पार्टिसिपेट कर चुका हाँ। हुण मैं इंटरनेशनल वास्ते अपने आप नूं प्रिपेयर कर रहा हाँ। मुक्तसर जिले के DC MK अरविंद कुमार सुखबीर सिंह द्वारा पैरों से बनाई गई एक पेंटिंग से बहुत प्रभावित हुए। लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब के चुनाव आयोग ने सुखबीर सिंह को मुक्तसर जिले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। सुखबीर सिंह ने पूरे मुक्तसर जिले में घूमकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया था। आपने जिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया ते असी घर घर जाके लोगों को वोटों प्रति जागरूक किया। सारे जिले के स्कूलों में जाके हर तरह के बच्चों वोटों प्रति जागरूक किया। पिछले कुछ महीने से सुखबीर सिंह मलोट की अंगूरी देवी समाज सेवी संस्था के संपर्क में है। इसके बाद सुखबीर सिंह का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया है। संस्था के वॉलंटियर भी सुखबीर सिंह की कामयाबी को लेकर काफ़ी उत्साही दिखाई देते हैं। तकरीबन मार्च के महीने में ड्रामा मंडी विखे नारायण सेवा संस्थान उदयपुर वालों एक कैंप ऑर्गनाइज किया गया सी। इत्थे आर्टिफिशियल दिब लगाई गई सी। उत्थों असीं जदों वापस आए तो सुखबीर जी नाल साडी रस्ते दे विच मुलाकात हुई, गलबात हुई। इस दी जिंदगी नूं रीड किया, कोशिश की कि इस दे नाल मिल के कुछ ऐसा काम किया जाए जिस दे नाल इसनूं भी लगे कि हाँ इस मेरी किसी संस्था ने बांह फड़ी है। सो उस तो बाद असीं सुखबीर दे नाल मिलजुल के काम करन दी कोशिश कर रहे हाँ। इस दी हर संभव मदद करन दी कोशिश कर रहे हाँ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ 9ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਸਰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮਾਣਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਸਰ ਸਾਹਿਬ MK ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।